नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोप। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात संजय डागरे के परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर आरोपी फरार हुआ। इंदौर में बहुचर्चित ट्विंकल डागरे हत्याकांड में करौतिया परिवार पर हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और जेल भेज दिया था। कुछ दिन पूर्व ही हत्या का एक आरोपी विक्की उर्फ लेखराज जमानत पर छूट कर कुछ दिन पूर्व ही बाहर आया। पीड़ित परिवार द्वारा शुक्रवार को अपने परिजन के साथ इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र को शिकायत की गई है कि करौतिया परिवार के द्वारा गुरुवार देर रात मेरे पुत्र हर्ष डागरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इसकी शिकायत थाना बाणगंगा पर की गई, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों को बख्शा जाता रहा, ना तो उन पर कोई कार्यवाही की गई। वहीं मामूली धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को बचने की कोशिश वहीं मामूली धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों से सांठ गांठ कर उन्हें बचाया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार को हमलावर द्वारा बार बार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत संजय डागरे और उनके परिवार द्वारा आईजी हरिनारायण चारी मिश्र को की गई। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। वहीं पूरे मामले में इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की बात कही गई है। वहीं पीड़ित परिवार को थाने के माध्यम से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बाणगंगा से एक शिकायत आई थी, कुछ लोगों ने इसमें ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि एक वहाँ पे युवक के साथ किसी ने चाकू मारा है। उस मामले में 354 और 294 आईपीसी में प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। मुख्य तौर पे उस पूरे 324 और 324 294 506 के अंतर्गत पूरा प्रकरण है। उसमें आरोपी की पहचान के बारे में इनकी राय थी कि आरोपी कोई और व्यक्ति है। उसमें थाना प्रभारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखा जा रहा है कि उसमें जो सही आरोपी हो उसको निष्पक्ष तौर पर पहचान करें और पहचान के बाद उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। इस परिवार को एक उसमें पहले से सुरक्षा प्राप्त है। बहरहाल इनको देखते हुए कि इनके खतरे को देखते हुए इनका आकलन करके संबंधित थाने को निर्देशित किया जाएगा। हमने आज से 3 तारीख को 3 मार्च को हमने एक आवेदन दिया था, क्योंकि हमें पता लगा था कि हमारे वो करौतिया फैमिली ने हमारे को मारने के लिए शूटर भेजे। हमने ये सूचना DIG साहब के आवेदन दिया था कि भाई हमारी सुरक्षा करी जाए, हमारे बच्चों पर हम पे कभी भी हमला हो सकता है। इन लोगों ने कोई भी पुलिस वालों ने कोई भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके कारण कल मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। चाकू लड़के ने एक उसको चाकू मार के पेट पे चाकू मार के भाग गया। आपके बेटे का क्या नाम है और जिसने हमला किया वो कौन है? हर्ष डागरे मेरे बेटे का नाम है। और आज हमारी जान की सुरक्षा कोई करने वाला नहीं है। हम सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। हमने पहले भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। DIG साहब ने कपूरिया जी हैं, उन्होंने हमारे फोन नंबर तक ब्लैकलिस्ट में डाल दिए हैं। और DTI बाणगंगा TI ने उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया था जिसकी वजह से हम सुरक्षित रह सकें। और आज मेरे बेटे पे हमला हो चुका है। और कौन है हमलावर, कौन है, क्या नाम है उसका? उदित सूटर नाम है उसका। कौन है वो? करौतिया परिवार से संबंध? करौतिया परिवार से तो मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या संबंध है क्या नहीं, लेकिन करौतिया परिवार रिक्की डागरे जिसका पहले भी मैं नाम ले चुकी हूँ उनसे मिला हुआ है। इन लोगों ने मिलकर और योजनाबद्ध तरीके से मेरे बेटे पे हमला करवाया है। आपने किस तरह से सुरक्षा की मांग की अभी? मुझे तो एक गनमैन सुरक्षा के लिए दे चुके हैं, लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी अपनी बेटी खो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने और बच्चों को खोने की शक्ति नहीं है मुझे। किससे आपको खतरा है? करौतिया परिवार जो अंदर है उसका एक बेटा बाहर है, जीतू करौतिया, दूसरा बेटा विजय करौतिया है जो 3 महीने की जमानत पे छूटा है। उसके छूटते से ही मेरे बेटे पे हमला हो गया है। आपका नाम और पता? रीटा डागरे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।